हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लूसेंट्स जीके। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम बुक के बारे में देखेंगे कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखते हो, ठीक है, उसके बाद प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो। वैसे ही हम इस बुक के साथ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज उन चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा, छोटी सी वीडियो होएगी। देखो, सबसे पहले इसके कंटेंट में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इस बुक को इन्होंने बेसिकली डिवाइड कर रखा है अलग अलग पार्ट्स में सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पार्ट क्या है, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री को आगे इन्होंने डिवाइड कर दिया, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड मिसलिनियस। मिसलिनियस में कुछ नहीं होता, मिसलिनियस में इन्होंने मतलब इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गई, वो सब चीज़ें इन्होंने मिसलिनियस में दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री का आ जाता है और हिस्ट्री का आगे फिर पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे एंशियंट में आ गया हिस्टोरिकल सोर्सेज, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, ये सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हो इसको और आई थिंक आपको विजिबल होगा। अगर विजिबल नहीं भी है तो यू कैन बाय दिस बुक, कहीं से भी ले सकते हो, अमेज़ॉन से भी मिल जाती है, कहीं बुक स्टोर से भी मिल जाएगी, इतनी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट आता है हिस्ट्री का। ठीक है, ये रही हिस्ट्री। देन सेकंड पार्ट आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने डिवाइड किया पहले एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में। ठीक है, देन आती है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को अगेन इन्होंने फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। ठीक है, उनमें सारी यही एंशियंट में वही सिविलाइजेशन वगैरह, मिडिवल में मिडिवल यूरोप की बात करी है, चाइना की, मिडिवल जापान, ये सब चीज़ों की। ठीक है, और मॉडर्न में आ गई रेवोल्यूशन। ठीक है, सारी अमेरिकन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट आता है जियोग्राफी का। ठीक है, जियोग्राफी में भी अगर आप बात करो तो जियोग्राफी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इतना छोटा नहीं है। इसमें भी आगे पार्ट्स होते हैं जियोग्राफी में भी, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी हो गई, हमारी इंडियन हो गई, ह्यूमन, इकोनॉमिक, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें इन्होंने इस बुक में मतलब एक ओवरव्यू दे रखा है, इसमें कुछ मतलब इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताया किसी भी चीज़ के बारे में, वो हम ओवरव्यू ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो बुक है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बनी हुई है, स्पेशली फॉर SSC एग्ज़ाम्स। या कोई स्टेट लेवल का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, PCS दे रहे हो, उनके लिए है। ठीक है, अगर आप UPSC की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको मेन कोर्स की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस बुक को आप रिवाइज करते टाइम पढ़ सकते हो। ठीक है, बट एज अ मतलब मेन बुक नहीं आप इसको ले सकते UPSC के लिए। ठीक है, ये एक SSC के लिए और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए भी आप पढ़ सकते हो, अच्छी है बुक। ठीक है, और अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ने जाओ तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, फिर जियोग्राफी में भी ये छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने, कुछ मतलब फिजिकल जियोग्राफी और इंडियन। ठीक है, इंडिया का भी मेजर मतलब ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, कुछ प्लेट्यू रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है, वो है। और फिजिकल में है माउंटेन्स का कौन कौन सी टाइप्स की होती है, एनवायरनमेंट हमारा कैसा होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। और एंड पे कुछ ये मेजर कैनाल्स होगी, जैसे हैबिटेट्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, देन आता है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। राइट, इंडियन पॉलिटी में गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, उसको हम वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, लाइक हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब चीज़ें जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनको हम भी एक्सप्लेन करके प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग वाले जो है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बैंकिंग का भी आ जाता है पार्ट, कुछ ये लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी जो इकोनॉमी होती है वो उसमें से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट के ही होते हैं। ठीक है, बट करंट की चीज़ें आपको तभी समझ आएगी ना अगर आपका बेस क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अगर आपको पता होगा CRR क्या है, SLR क्या है, तभी आप उन चीज़ों को करंट के साथ रिलेट करोगे ना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो
वो वाली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो सारी हम इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है साइंस का पार्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। अब साइंस के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो इतने ज़्यादा नहीं पूछते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बट फिर भी कई बार पूछ लेते हैं, दो चार क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी में आ जाते हैं, वैसे 5, 6, 10 तक भी आ जाते क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे, बट ये साइंस कोई इतनी इन डेप्थ वाला कुछ नहीं है, 10th लेवल की ही है। कुछ आप ऐसे घबराने की बात नहीं है कि पता नहीं कहाँ से साइंस डाल देंगे, ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 10th लेवल की ही है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आते हैं कुछ साइंस और टेक से, ठीक है। साइंस एंड टेक का जो पार्ट है वो आपका करंट से ही कवर होगा, ठीक है, उसमें स्टैटिक का कुछ नहीं होता, ठीक है। वो मतलब कौन सी मिसाइल बनी है, कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, क्या हुआ है, वो सब चीज़ें आप करंट से देख सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है एंड पे मिसलिनियस वाला पार्ट, ठीक है। मिसलिनियस वाला सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ करंट के टॉपिक भी इन्होंने दे रखे हैं, जैसे प्लेयर्स के नाम या कुछ और, ठीक है, वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेयर्स जो है वो हर साल उसका अपडेट होते रहते हैं, कोई ना कोई नया प्लेयर आता है, पुराना चला जाता है, तो वो सब चीज़ें होती है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्टैटिक वो हम पढ़ेंगे, जैसे सुपरलेटिव्स हो गए, वो तो सेम वही रहेंगे ना, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भी जो है वो रहेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत चलो नहीं ऐड हो जाती है, उसको हम करंट के साथ हमारी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हम ये थोड़ा सा मतलब एक रट्टे वाला टॉपिक है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा लर्न करना होगा, बट लर्न करने से पहले अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे, पढ़ के इसको समझ लोगे, ठीक है, इसको किसी ना किसी के साथ रिलेट कर लोगे, कुछ थोड़ा सा फनी वे से लर्न करने की कोशिश करोगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 पार्ट्स है इसके, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी कुछ नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कंप्यूटर के बारे में, उसका डाटा मैनेजमेंट, कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स कौन कौन से होते हैं, ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इन डेप्थ इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इस बुक का सार, ठीक है, समरी, जिसको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपकी आज की ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और आने वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।